है आज आप सबकी बहुत ही खुशियों भरी स्नेह भरी याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाती क्या देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर सा फाउंटेन है और फाउंटेन के चारों ही तरफ बहुत सुंदर फरिश्ते खड़े हैं और वो इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे। फरिश्ते बहुत सजे सजाए हुए खड़े थे और कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ, फाउंटेन से लाइट निकलती है और वो लाइट एक एक की लाइट की किरणों से हर एक फरिश्ते के हाथ में शिव बाबा का झंडा आता है और वो झंडा लेकर के फरिश्ते धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ते हैं और उड़ते हुए सारे विश्व के अंदर उस झंडे को लेकर के घुमा रहे हैं और उसमें से हर झंडे में से अलग अलग प्रकार के वरदान निकल रहे थे। तो एक तरफ मैं देख रही थी कि भगत हैं और कई भगत ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कई प्रकार की मनोकामनाओं के लिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनके ऊपर अचानक ही बूंद बूंद की तरह से लाइट पड़ती है और उनको लगता है ये क्या हो रहा है और वो ऊपर देखते हैं तो उनको उसी में से लाइट दिखाई देती है और जो उनके संकल्प हैं उनके संकल्पों की थोड़ी थोड़ी उनको प्राप्ति होने लगती है। तो भगवान को जैसे बहुत धन्य कहते हुए अपने आप को धन्य कहते हुए बाबा के सामने भगवान के सामने अपना मस्तक झुकाते हैं। फिर दूसरी तरफ क्या देखती हूँ, वो झंडे से ऐसी लाइट निकलती है कि सारे विश्व के वाइब्रेशन बिल्कुल चेंज है। चारों तरफ हरियाली है, बहुत सुंदर वातावरण है और इतनी धीमी धीमी हवा चल रही है और उसमें से मीठी मीठी स्मेल आ रही है। तो तीसरी तरफ क्या देखती हूँ कि उस झंडे से अनेक प्रकार के डायमंड की तरह, जैसे डायमंड होता ना ऐसे डायमंड की तरह से लाइट निकलती है और नीचे पहुँचते ही वरदान हर एक के पास पहुँच रहे हैं और वरदान मिलते जाते हैं और उससे अनेकों का श्रृंगार हो रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आए और बाबा ने कहा बच्ची आ गई हो? मैंने कहा बाबा मैं तो वतन में कितना सुंदर दृश्य देख रही हूँ। तो मैंने कहा बाबा आप कहाँ थे? तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा आज का दिन बाप अपने बच्चों भक्तों और जाने अनजाने जो भगवान को याद कर रहे हैं सबके पास चक्कर लगाने गए थे। तो बाबा ने कहा भगत जो है किस प्रकार से भावना से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और आज के दिन बाप तो बंधा हुआ है इनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। फिर बाबा ने क्या दिखाया कि भगत ऐसे बहुत भक्ति कर रहे हैं लेकिन बाबा ऐसे उनको सहज रीति से ऐसे बाबा ने हाथ से उठाया तो भक्तों को लाइट का साक्षात्कार होने लगा और उस साक्षात्कार में उनको कई प्रकार के अनुभव होने लगे। फिर दूसरा बाबा ने कहा आज के दिन बाप जो है
बच्चों को भी कैसे अपने समीप लाया है। तो बाबा ने उसी समय दिखाया कि इतने ब्राह्मण बच्चे थे, इतने बच्चे थे, तो बाबा बच्चों को कहते हैं ये मेरे पद्म परम भाग्यशाली बच्चे, जन जिनका आज भी जन्मदिन है, तो बाप भी बच्चों को बहुत मुबारक दे रहे हैं। लेकिन उस मुबारक के अंदर क्या था, हर एक के पास एक न एक डायमंड पहुंचता था और उस डायमंड के अंदर वरदान लिखा हुआ था। और वो वरदान में भी क्या था, जैसे वो डायमंड पहुंचता, वरदान जो था वो यहाँ मस्तक के ऊपर वो वरदान आ जाता था। तो बाबा ने कहा जैसे किसके मस्तक को देखकर उसके भाग्य का वर्णन करते हैं, तो ये मेरे बच्चे वरदानी बच्चे पद्म पदम भाग्यशाली हैं, आज बाप इन बच्चों को वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। तो मैंने कहा बाबा बच्चों ने तो आप सबको सभी बच्चों ने तो आपको मुबारक दी है। तो बाबा ने कहा बच्चों के मुबारक तो बाप के पास पहले पहुंची हैं, उस मुबारक में स्नेह के साथ साथ ऐसा रूप दिखाई दे रहा था, बाप बच्चों को आप समान देखना चाहते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप जो है बच्चों के मुबारक के रिटर्न में आज बच्चों को विशेष गिफ्ट दे रहे हैं। तो उस गिफ्ट में क्या दिखाया कि एक बहुत सुंदर स्टार था और स्टार के अंदर लाइट शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा बाप की, तो उसमें लिखा हुआ था ब्रह्मा बाप समान। तो बाबा ने कहा आज बाप जो है बच्चों को विशेष ये गिफ्ट दे रहे हैं कि बच्चे ब्रह्मा बाप समान बने। और वो जो स्टार था, स्टार के जो कॉर्नर थे, उस कॉर्नर से ऐसी लाइट चमकती हुई निकलती थी जो चारों तरफ पहुंच करके बहुत सुंदर स्वरूप उसका और चारों तरफ ऐसा रूप दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा एक तो बच्चों को बाप समान बनना है, दूसरा शिव बाबा का जन्मदिन है, तो जैसे बाप की किरणों के द्वारा अनेक वरदान, अनेक अनुभूतियाँ, अनेक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तो ऐसे ही हर किरण के द्वारा बाप को साथी बना करके, हर किरण द्वारा दुनिया के अंदर लोगों को वरदान, शक्ति और अनुभूति करानी है। फिर तो बाबा जैसे ना हर एक के मस्तक पर वो स्टार था और हर एक के स्टार के अंदर एक तरफ ब्रह्मा बाप समान बनो, दूसरी तरफ क्या है हर एक को एक एक वरदान दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा आज का दिन है वरदान प्राप्त करने का, बाप बंधा हुआ है और बच्चे जिस स्नेह से और सच्चे दिल से और बिल्कुल क्लियर माइंड से बाप को अपने साथ का अनुभव करते हैं, तो वरदानों की वर्षा ऑटोमेटिकली बच्चों के ऊपर हो रही है और भी होती रहेगी। फिर मैंने बाबा के सामने भोग रखा, तो आज बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को इमर्ज किया और इमर्ज करके बाबा अपने हाथ से ही सबको भोग स्वीकार कराने लगे। लेकिन वो स्वीकार कराने का तरीका क्या था, जैसे वी शेप में खड़े हैं और बाबा दृष्टि दे रहे हैं, तो हर एक के पास वो भोग पहुंच रहा था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मेरे विजयी रतन हैं और आज के दिन
बाप स्वयं ही अपने ही बच्चों को अपने ही हाथों से इन विजयी और होनहार जो भविष्य दुनिया के विशेष बच्चे हैं उनका विशेष सत्कार करते हुए उनको भोग स्वीकार करा रहे हैं। तो मैंने तो बाबा को स्वीकार कराया, लेकिन बाबा सब बच्चों को अपने साथ लेकर के वैसे ही अनुभव करा रहे थे। तो फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे उमंग के अंदर हैं, आज का दिन कैसे मनाएंगे? मैंने कहा कि बाबा वो तो मना ही रहे हैं। बाबा ने कहा, आज के दिन हर एक बच्चा एक तो ऐसा दृढ़ संकल्प करे कि अपने अंदर कोई न कोई प्रकार के परिवर्तन के द्वारा ऐसा परिवर्तन हो जो दूसरों को भी प्रेरणा दे। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि आज के दिन बच्चे ऐसा दृढ़ संकल्प करें, उस दृढ़ संकल्प के द्वारा विश्व के अंदर बाप की प्रत्यक्षता की लहरें फैले। और तीसरा बाबा ने कहा कि आज के दिन सब ब्राह्मण परिवार आपस में इस प्रकार से स्नेह के सूत्र में बंध करके ऐसा स्वरूप सारे विश्व के सामने प्रत्यक्ष करें, उन्हें भी लगे कि उनको ऐसा महान बनाने वाला कौन है, और वो हमारा ही पिता है और वही हमें सब कुछ अनुभव कराने वाला है। क्योंकि दुनिया में आज के दिन लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, तो उनको ऐसा स्नेह की अनुभूति, स्नेह का सूत्र आप बच्चे ही उन्हें दिखा सकते हो। इस स्नेह के सूत्र के द्वारा ही बाप को भी प्रत्यक्ष करना है और दूसरों को भी अनुभव कराना है। फिर तो बाबा सबको बहुत स्नेह से दृष्टि दे रहे थे, और उस दृष्टि से हर एक के पास से लाइट के डायमंड की तरह पहुंच रहे थे, और उन डायमंड में एक न एक वरदान सबके पास पहुंच रहा था। बाबा ने कहा, आज वरदानी दिवस है, वरदान प्राप्त करने का, वरदानों से भरपूर करने का, खुद भी वरदानी बन करके दूसरे को भी वैसा ही अनुभव कराए। फिर तो बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति। आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जाते ही वतन का दृश्य बहुत ही अद्भुत, निराला दिखाई दे रहा था। आज जाने के साथ बाबा को सभी भाई बहनों की याद भी दी, सभी बच्चों की दिल की आवाज एक ही थी, बाबा को प्रत्यक्ष करने की। तो याद देने के साथ बाबा मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि आज बाबा के बच्चों को कितना ना खुशी है मन में, क्योंकि बाप का जन्मदिन बच्चे मनाने जा रहे हैं। तो बाबा ने भी कहा कि आज बाबा अमृत वेले से ही
सभी स्थानों का सूक्ष्म में चक्कर लगाते यह देख रहे थे कि बच्चों के मन में दिल में कितना बाबा के प्रति प्यार और स्नेह भरा हुआ है बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। बाबा ने उसके ऊपर एक नया ही दृश्य दिखाया। वह दृश्य था रावण का। बाबा ने दिखाया एक चित्र बहुत समय पहले बना था कि रावण को जगाने के लिए उसके जो भक्त बच्चे मनुष्य आत्मा हैं उसके सिर पर, उसके हाथ में, उसके पांव पर, उसके दिल में सभी बैठे हुए हैं और वह उसको कुंभकर्ण को जगा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि यह है भक्ति का दृश्य और यादगार। पर बाबा ने कहा कि आज के दिन सभी बच्चों की भावना जो बाबा के प्रति दिल में, मन में, हाथों से भी जो कर्म कर रहे हैं, भोग बना रहे हैं, पांव से भी चल के जा रहे हैं अपने अपने स्थानों पर, सेंटरों पर, अपनी अपनी जगह पर, बाबा ने कहा कि वह कदम भी चल रहे हैं, वो हस्त भी काम कर रहे हैं, दिल भी काम कर रहा है, मन में तो बाबा बैठा हुआ है। तो बाबा ने कहा कि आज के दिन की हर एक ब्राह्मण बच्चों में एक बहुत ही सुंदर बाबा के प्रति आस बनी हुई है और बच्चे भी बाप के जन्मदिन की बड़ी धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं बाबा का झंडा लहराने के लिए। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चे तो इस सेवा में लगे हैं, पर बाबा ने कहा कि बाप के दिल में भी बच्चे उतने समाये हुए हैं। तो इतना कहते बाबा ने आज विशेष दिन पर, जन्मदिन पर, शिव जयंती की, बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को, चाहे जो जहाँ भी बैठे हैं, जिस स्थान पर भी बैठे हैं, बाबा ने सभी बच्चों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद भी दी और आज के दिन की बाबा ने सभी को बहुत स्नेह भरी कहीं दिल की मुबारक दी, मुबारक दी। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था तो बाबा ने भी आज बहुत ही प्यार से, बाबा ने कहा आज वतन में बाबा के पास कितना ना भोग की थालियां सज सज के आ रही हैं, इतना ना प्रकार का भोग बाबा के पास आ रहा है। बाबा ने कहा भक्ति में देखो भक्त बच्चे क्या कर रहे हैं, बाबा के ऊपर, शिव बाबा के ऊपर पानी लोटा, दूध लोटा है, बाबा ने कहा फल फूल चढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ये भक्त बच्चों की रिवाज और प्रथा, पर ब्राह्मण बच्चे बाबा को कितना ना प्यार से भोग की थालियां सजा करके ला रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि आज के दिन की विशेष सभी बच्चों को, चारों तरफ के बच्चों को बाबा देखते हुए याद दे रहे थे। फिर विशेष कर्नाटक के भाई बहनों की, आंध्र प्रदेश के भाई बहनों की, सभी की बाबा को याद दी। बाबा ने कहा कि ये बच्चे तो इस स्थान के बच्चे बड़े भावना वाले बच्चे हैं और ये भी विशेष शिव बाबा के भी भक्त हैं, तो देवियों के भी बहुत भक्त पहले बने हुए थे, अभी भक्त से बच्चे बन गए हैं। तो बाबा ने ऐसे कहते हुए आप सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और विशेष भोग लगवाने वाले
भाई बहनों की भी याद दी, उन्हें भी बाबा ने बहुत दिल का याद प्यार देते हुए, सभी की याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।